जम्मू कश्मीर से पीडीपी सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा है कि कश्मीर में आईएस का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। धार्मिक चरम पंथ बहुत बढ़ चुका है, महिलाएं भी संघर्ष में हिस्सा लेने लगी हैं। बेग ने कश्मीर के संघर्ष को चौथे चरण में पहुंचने की बात की है। बेग ने कश्मीर के हालात को काबू करने के लिए सेना के इस्तेमाल की भी बात कही है। कश्मीर में आईएस का तेजी से जो प्रसार है वो किया जा रहा है। आसिफ, अगर आप लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं तो पीडीपी सांसद के इस बयान को कितनी तवज्जो दी जाएगी और कितनी गंभीरता से लिया जाएगा? वो कह रहे हैं कि आईएस का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है कश्मीर में। तो लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, कश्मीर में आईएस का प्रभाव बढ़ रहा है। हुसैन बेग का यह बयान, कश्मीर का संघर्ष चौथे चरण में पहुंच चुका है और आईएस का बढ़ता नेटवर्क कश्मीर की समस्या के लिए और ज्यादा मुसीबत भरा है। पीडीपी सांसद है मुजफ्फर बेग, जिनका यह बयान किन मायनों में समझा जाए और इसके असल मतलब को समझते हुए कैसे कश्मीर, जहां पहले से ही तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उसे बाहर निकाला जाए। हर सियासी पार्टियां और तमाम जो आवाम है वहां की, वो चाहती है कि शांति बहाली हो, कर्फ्यू में जो लगातार लोग वहां रह रहे हैं उन्हें वहां से जल्द मुक्ति मिल पाए। इन तमाम मसलों को लेकर मंथन जारी है।